ये तो सच में चमत्कार है, वो यहीं पर से गिरे हैं। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार उनके बॉडी पर कोई भी धक्का मारने वाला प्रेशर पॉइंट्स नहीं है। वो मरने से पहले बहुत भागे हैं और उनके शरीर में अल्कोहल का कंटेंट बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, जिस जगह पे हत्या हुई वहां पे दो लोगों के फुटप्रिंट्स हैं। एक जिस व्यक्ति की मौत हुई है, यानी आपके पिता, और दूसरा आपका। एनी क्लू? उस तरफ क्या है? मुझे उस तरफ से एक आवाज आई, मैंने हर तरफ देखा पर वहां कोई नहीं था। उसके अलावा सा मैं और कुछ भी नहीं जानती। पापा की मौत की वजह से मैं सदमे में हूं सर। नो मोर क्वेश्चंस। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती आप इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती। You have to surrender your passport. बेटी, मौत कहां पर नहीं है, हर जगह तो मौजूद है। हाँ, तुम्हें इसका सामना करना होगा, जीना होगा, सब कुछ भूल कर। हाँ बेटी, तुम्हारे पिता तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं गए। ना ना बेटी, हम सब हैं ना यहाँ, पूरे गांव वाले हैं तुम्हारे साथ। रो मत बेटी, रो मत, तुम हिम्मत से काम लो, हिम्मत रखो बेटी, हिम्मत रखो, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ। पहले उसे खत्म करना है, अपने आदमियों को एक एक करके वो मारता जा रहा है। इस बार उसने हमारे मेन आदमी को ही मार दिया, लेकिन ये हमारे लिए चेकमेट नहीं होगा। वो ताकतवर है, ये बात आरएफएम मूर्ति ने मरने से पहले ही बताई थी। कंसाइनमेंट पूरा करेंगे, ये बात बोलकर हमने एडवांस भी ले लिया है। वी शुड टेक हिम सीरियसली। ऑफ कोर्स, मैं ऐसा इंतजाम करूंगा बिना गोली की आवाज के उसका दिल खामोश हो जाएगा। जिसने भेजा है उसे जाकर बोल, उसे मारे बिना मैं नहीं रहूंगा। रुको, अभी यहाँ पर जो हमारे अधिकारी आने वाले हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। समय की पाबंदी, कर्तव्य निष्ठा उन्हें बहुत पसंद है। बजा 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 बजा। Oh!
मुझे ये हार पसंद नहीं है, आहार पसंद है। हे, इन आडंबर और दिखावों में मैं नहीं आता, इन्हें मेरा जूता रास आता है। हरियाली मेरी सांस है, जल को बचाओ, जंगल को बचाओ। सरकारी काम को ऊपर वाले का आशीर्वाद समझने वाला ये निष्ठावान सीनियर अधिकारी है, जय सिंहा। ए मोटू, एक हार तो इस आदमी ने खराब कर दिया। बड़े साहब आएंगे तो उन्हें क्या पहनेंगे, क्या करेंगे हम, बताओ। अरे मैं क्या करूं नारायण, मैं साहब को लेने के लिए बस स्टैंड पर गया था, वहाँ पर ये आदमी अकेले खड़ा था। अब इसने ऐसी ड्रेस ही पहनी है कि मैंने इसे साहब समझ लिया। मैंने जैसे ही साहब कहा ये कूद कर बोनट पर बैठ गया। अरे मुझे रास्ता भी नहीं दिख रहा था, कैसे भी गाड़ी चला कर लाया हूँ यहाँ। हाथ हटा, अब यहाँ तो बुलेट की आवाज आ रही है। देखो देखो, है वो, देखो साहब आ रहे हैं। बजा 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 बजा। देखो, आपके प्यार और विश्वास के लिए आप सबका धन्यवाद, मगर ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अपने इस इलाके में काम करते हुए हमारे आरएएफ मूर्ति की अचानक मौत हो जाने के कारण उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। क्यों नारायण स्वामी जी, सर टाइम पर पिकअप करने के लिए गाड़ी भेजनी है, ये आपको नहीं पता? सॉरी सर। आप अकेली नहीं हैं, हम सब साथ हैं, दुखी मत होइए। बेटी बेटी, यहाँ अकेली क्या कर रही हो? आपका इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? मुझे आपसे दो सवाल पूछने हैं। अच्छा, पूछो बेटी, पूछो। दादाजी, आपके घर में जो बच्चा है वो किसका है? दरअसल मेरी बेटी पास वाले गांव के एक लड़के को चाहती थी, दोनों ने शादी कर ली। मैं अच्छी तरह जानता था कि लोग हमें जीने नहीं देंगे, इसीलिए मैंने उन दोनों को बुलाकर कहा तुम दोनों कहीं दूर चले जाओ, जब यह मामला पूरी तरह से शांत हो जाएगा तो वापस आ जाना। जब दोनों आए तो जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, समाज के लोगों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला। वो बच्ची मेरी नातिन है और उसके लिए मास्ती ही उसकी माँ है, उसका पिता है, सब कुछ वही है बेटी, यही है उस बच्ची की कहानी। दादाजी, आपके घर में जो फोटो है उसमें जो लड़की है वो मास्ती की बीवी है क्या? और ये बताइए, मास्ती उससे बहुत प्यार करता था क्या? हाँ बेटी, यही दुनिया है, कौन किसे कब प्यार कर बैठे कौन जानता है बेटी। हाँ ये लो, ओढ़ लो। लड़कियों को घूमते वक्त कपड़ों पर ध्यान रखना चाहिए। कमाल है, अरे ऐसे क्यों देख रही हो, थोड़ा हंसो ना। ठीक है, अब जाओ यहाँ से, पता नहीं किस पागल से पाला पड़ गया। प्यार का क्या मतलब है? वो तो मुझे नहीं पता। मुझे पता है। क्या होता है वो? पहले हम दोनों को शादी करनी चाहिए। और फिर? और फिर मुझे तुम्हें हमेशा के लिए जी जी करके बुलाना पड़ेगा। फिर मुझे माता पिता को भुलाकर हमेशा तुम्हारे साथ ही जीना पड़ेगा। और तुम हमें माता पिता बन जाएंगे। अच्छा। वाह, तुम्हारे साथ ऐसे ही रहने का दिल करता है, मगर मास्ती मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? पिताजी और चाचा को हमारे बारे में पता चल गया है। आज तक मेरे घर के अंदर आकर, वो भी मेरे सामने आकर मुझसे इस तरह की बात किसी ने नहीं की थी।
मैंने ये बात उसी दिन कही थी कि ये गली में घूमने वाला कुत्ता है, इसे ऐसे पाल पोस कर बड़ा मत करो। लेकिन अगर तेरी जगह किसी और ने ये बात अपने मुंह से बोली होती तो। मास्ती, तू इसका बाप है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ए, ये मेरी है, इस मास्ती की अमानत है ये। कल सुबह सूरज उगने से पहले ही इसके पैरों में पायल, हाथों में चूड़िया और मांग में सिंदूर लगाकर अपनी पत्नी बनाकर ले जाऊंगा। बेटी के पति के पैर धोकर घर में बुलाना, ये आपकी संस्कृति होनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो फिर मंगलसूत्र पहनाते वक्त बीच में आकर दिखाना, वहीं पर एक एक को मार डालूंगा और समाधि बना दूंगा। पिताजी, मैं मास्ती से बहुत प्यार करती हूँ पिताजी, प्लीज पिताजी। ये इस घर की बेटी है, इसीलिए ये हमेशा प्रसन्न रहे, हमेशा खुश रहे। कल ये लड़की मेरे घर में हंसते हुए आनी चाहिए। उसकी बजाय अगर इसके शरीर पर जरा सा भी मार का निशान मुझे दिखाई दिया तो तेरे भाभी के गले में रहने वाला ये जो मंगलसूत्र है ना, वो दीवार पर लटका हुआ दिखेगा। अभी तो ये उसके पास जाएगी, पर वहां से ये दोनों सीधा शमशान जाएंगे। बच्चा पैदा हो गया होता तो मेरा तेरे प्रति प्यार कम हो जाता, इसीलिए मैंने अब तक शादी नहीं की। अपने माता पिता की आंखों में आंसू देने वाली तुम्हारे जैसी औलाद नहीं देखी, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। Oh,
पिताजी और चाचा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्हें उन्हें कुछ मत करना। भव्या, मुझे छोड़कर दूर 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 चली गई। माता पिता और चाचा को मैं कुछ नहीं करूंगा। बेटी, हमारी जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है। उस घटना के बाद मास्ती खामोश हो गया। सब यही सोचते थे कि मास्ती हमेशा के लिए गूंगा हो गया, लेकिन मास्ती माँ की कृपा से वो ठीक हो गया। उसके बाद बेटी मास्ती को लगता है कि भव्या जिंदा है और इसी के भरोसे तो वो अभी तक जी रहा है। हाँ, गांव वाले भी यही कहते हैं। हाँ, कभी कभी उसे तो वो यहीं कहीं आसपास दिखती भी है। हम जंगल वाले सिर्फ दो ही बातों को मानते हैं, एक भगवान को, दूसरा भूत को। अपना मास्ती, ये मास्ती चला कहाँ गया? ए मास्ती, कहाँ चले गए, दिख नहीं रहे? देखो मेरे साथ कौन आया है। ए मास्ती, अरे तुम यहाँ हो भी या नहीं हो?